दोस्तों, द नॉलेज एंगल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सोलर सिस्टम लेकर के आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा सौरमंडल कितना बड़ा है, इसमें क्या है और कहां तक फैला है? क्या सौरमंडल की कोई सीमा है? तो दोस्तों, इन सभी बातों की संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया वीडियो अंत तक देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, जो अपने साथ सभी ग्रहों, उपग्रहों, पिंड तथा धूमकेतु आदि को गुरुत्वाकर्षण बल से बांधे हुए है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले सूर्य के बारे में जानेंगे। इसका तापमान सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस तथा केंद्र में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सूर्य 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा का एक चक्कर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से लगाता है। इसे कॉस्मोस ईयर अर्थात ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा और इसकी ग्रेविटी पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नई खोज के अनुसार सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से 32,000 लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों, सूर्य की आयु का ठीक अनुमान तो पता नहीं, पर गणना के अनुसार इसकी आयु 5 अरब वर्ष बताई गई है और सूर्य का व्यास 13 लाख किलोमीटर से ज्यादा है। पृथ्वी से इसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2.5% लिथियम और यूरेनियम से बना है। दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन है। हम जानते हैं कि पूरे सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है और हम सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि सौरमंडल के दूसरे ग्रह कैसे दिखाई देते हैं और पृथ्वी की तुलना में इनकी क्या स्थिति है? तो आइए दोस्तों, सौरमंडल के इन ग्रहों की यात्रा पर चलें। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं अर्थात प्लैनेट हैं। ये हैं बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, जुपिटर, बृहस्पति, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके इन प्लैनेट्स की यात्रा करें। सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी की। ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, जिसकी दूरी 5.80 करोड़ किलोमीटर है और सबसे पास होते हुए भी ये सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। इस पर कोई भी वायुमंडल न होने के कारण यहाँ रात का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका डायमीटर 4878 किलोमीटर है। इसका कोई भी चांद अर्थात कोई भी उपग्रह नहीं है। ये प्लैनेट सूर्य का एक चक्कर 88 पृथ्वी दिन और अपने अक्ष पर 58.6 पृथ्वी दिन में घूमता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट शुक्र अर्थात वीनस की सैर पर। वीनस का साइज लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन अर्थात सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। यह पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है, जिसका कोई चंद्रमा अर्थात उपग्रह नहीं है। इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि सुबह के समय यह पूर्व दिशा में दिखता है तथा शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। यह ग्रह सर्वाधिक गर्म है। इसका औसत तापमान 480 डिग्री सेल्सियस है और सनलाइट का सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करने के कारण यह सबसे चमकीला ग्रह मालूम होता है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। वीनस का व्यास पृथ्वी से बस थोड़ा ही कम 12104 किलोमीटर है। सूर्य का एक चक्कर 243 दिन और स्वयं का एक चक्कर अर्थात अपने एक्सिस पर
224.7 दिन में घूमता है। इसकी सूर्य से औसत दूरी 10,75,00,000 किलोमीटर है। अब वीनस के बाद बारी आती है अर्थ की। वैसे तो हम अपनी अर्थ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर फिर भी हम इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ये अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जिसकी दूरी 4.28 लाइट ईयर्स है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। यह अपने एक्सिस पर 23.9 घंटे में घूमती है और 365.26 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। जल और वायुमंडल की उपस्थिति के कारण यहाँ जीवन संभव है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने सोलर सिस्टम के फोर्थ प्लैनेट मंगल अर्थात मार्स की। मार्स को लाल ग्रह अर्थात रेड प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल हो गया है। मंगल के दो ध्रुव हैं और वहां भी पृथ्वी की तरह सीजन चेंज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भी पृथ्वी की तरह अपने एक्सिस पर झुका हुआ है। मंगल के दो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया एक ऐसा पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। दोस्तों, मंगल ग्रह का व्यास 6,796 अर्थात 6,796 किलोमीटर है। यह अपने एक्सिस पर 24.6 घंटे में घूमता है और सूरज के चारों ओर 687 पृथ्वी दिन में घूमता है। सूर्य से इसकी दूरी 22,56,00,000 किलोमीटर है। तो दोस्तों, अभी जिन चार ग्रहों अर्थात प्लैनेट के बारे में हमने जाना, वो सूरज और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में पाए जाते हैं। इन्हीं प्लैनेट्स को आंतरिक ग्रह अर्थात इंटरनल प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अर्थात पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रह ठोस चट्टानों के बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ हम थोड़ी सी बात करेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट की। एस्ट्रॉयड बेल्ट मंगल अर्थात मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। ये ऐसे ही सूर्य का चक्कर काटती है जैसे हमारे बाकी सभी प्लैनेट्स सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसमें छोटे बड़े एस्ट्रॉयड, कॉमेट और धूल के कण होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने एक्सटर्नल प्लैनेट की अर्थात बाह्य ग्रहों की। तो दोस्तों, 5th नंबर पर आता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर। ये गैसों से बना ग्रह है और इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम पाई जाती है। इसके 79 उपग्रह हैं, जिसमें गेमिनीड सबसे बड़ा उपग्रह है। जुपिटर पर एक विशाल तूफान करीब 300 वर्षों से चल रहा है, जिससे यह विशाल लाल धब्बा जैसा दिखाई देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बृहस्पति ग्रह से रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं? चलिए दोस्तों, अब हम जुपिटर के बारे में कुछ और अन्य बातें जानते हैं। जुपिटर का व्यास अर्थात डायमीटर 1,42,984 किलोमीटर है और यह अपने एक्सिस पर 9.9 हार्स में घूमता है और सूरज का एक चक्कर करीब 12 वर्ष में लगाता है। इसकी सूर्य से औसत दूरी 77,28,00,000 किलोमीटर है। अब बारी आती है हमारे सोलर सिस्टम के 6th प्लैनेट सैटर्न की। सैटर्न हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 7 है। सैटर्न के 82 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। सैटर्न तेजी से घूमने के कारण सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है। ये आकाश में एक पीले तारे की तरह नजर आता है। दोस्तों, सैटर्न का डायमीटर 1,20,536 किलोमीटर है और ये अपने एक्सिस पे करीब 10.25 घंटे में घूमता है और सूरज का एक चक्कर लगाने में करीब इसको 29.5 वर्ष का अर्थात 29.5 वर्ष का समय लगता है। सूर्य से इसकी दूरी
1,41,76,00,000 किलोमीटर है। तो ये हो चुकी सैटर्न की बात। अब नंबर आता है सोलर सिस्टम के 7th प्लैनेट यूरेनस अर्थात अरुण का। यूरेनस पर मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण इसका रंग हरा दिखाई देता है। ये प्लैनेट पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्य उदय पश्चिम में तथा सूर्य अस्त पूर्व में होता है। दोस्तों सैटर्न के जैसे यूरेनस के भी चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। यूरेनस अपने एक्सिस पे सूर्य की तरफ इतना झुका हुआ है कि यह लेटा हुआ लगता है, इसलिए इसे लेटा हुआ प्लैनेट भी कहते हैं। ट्राइटेनिया यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह अर्थात नेचुरल सैटेलाइट है। दोस्तों यूरेनस का डायमीटर 51,120 किलोमीटर है। ये अपने एक्सिस पे 17.2 घंटे में घूमता है और सूरज का एक चक्कर 84 वर्ष में लगाता है। सूरज से इसकी दूरी 2,85,28,00,000 किलोमीटर है। आइए दोस्तों अब हम सौरमंडल के 8th प्लैनेट वरुण अर्थात नेपच्यून के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह है। नेपच्यून प्लैनेट की दूरी सूर्य से सबसे ज्यादा है, जिस कारण यह सबसे ठंडा ग्रह है। इसके 14 उपग्रहों के साथ ट्राइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। नेपच्यून का सबसे छोटा उपग्रह नैयाद है। तो अब हम बात करते हैं बोने ग्रह यम अर्थात प्लूटो के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के चेक गणराज्य के प्राग सम्मेलन 2006 में प्लूटो को सौरमंडल से बाहर का ग्रह माना गया है। इसमें ग्रह के लिए नई परिभाषा के आधार पर कहा गया है कि वे आकाशीय पिंड ही सौरमंडल के ग्रह माने जाएंगे, जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा अन्य ग्रहों के परिक्रमण पथ को नहीं काटते हैं। यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करने के कारण नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो को सौरमंडल के बाहर का ग्रह माना गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक समाप्त हुआ और ऐसे ही अच्छे टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।